फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये एक स्टीरियो है जो कि आप देख पा रहे हैं ये बजाने वाला एम्पलीफायर है 4440 आईसी का। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इसके कार्ड में लाइट आ रही है, मतलब कि पूरा कार्ड नहीं ऑन हो रहा है, या कभी आती कभी नहीं भी आती है, और ये चल नहीं रहा है। तो बाकी का स्टेप वाइज हम आपको चेक करना सिखाएंगे। तो मैंने स्पीकर को इस तरीके से पीछे कनेक्ट कर दिया है और अब हम मेन सप्लाई को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट किया तो इसमें TF केबल लिख के आ रहा है और इसका कोई भी मोड वगैरह चेंज नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इसमें मोड को प्रेस करता हूँ और कुछ भी इसमें वर्क नहीं हो रहा है, यानी ये कार्ड हो चुका है हमारा ख़राब। तो हम इस पर अब इंस्टॉल करेंगे न्यू कार्ड। तो कैसे करेंगे, और कार्ड लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही न्यू कार्ड लगाएं, नहीं तो आपका कार्ड नया भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लाइन को यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको इन जैक को बाहर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों जैक को बाहर कर लिया। ये आइडियो है जो कि इससे कार्ड से आउटपुट होता है और ये हमारा 5 वोल्ट इनपुट है, जैसा कि ये अब मैं आपको दिखा दे। तो मल्टीमीटर को आपको 20 पे रखना है और इसके वोल्टेज चेक करने। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चेक करते हैं इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है या फिर कम। तो इसमें मैंने लगाया तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 5.04 वोल्ट दिखा रहा है, यानी बिल्कुल सप्लाई ओके है। तो इसमें अब हम ये देखिए न्यू कार्ड जो है इसको इसमें लगाने वाले हैं। तो किस तरीके से लगेगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें ये कनेक्शन वगैरह किए हैं, लीड वगैरह, तो हम इसको इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें पहले से ही सब लीड वगैरह लगी हुई हैं। और ये देखिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा कार्ड लग रहा है देखने में, तो इसको अब हम लगाने वाले। ये ब्लू डिस्प्ले है इसकी। तो फ्रेंड्स, आपको सप्लाई निकालने के बाद इसको इस तरीके से खोल लेना है इस बोल्ट को और इस कार्ड को बाहर निकाल देना है। तो जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से बोल्ट को खोल करके, तो इस तरीके से आप भी इसे निकाल सकते हैं। तो इस कार्ड को मैंने बाहर कर दिया और ये एक एंटीना वायर है, इसको भी हम निकाल देंगे। तो आपको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको निकालना है एंटीना वायर को। तो इसको मैंने फ्रेंड्स इस तरीके से बाहर कर दिया है और हम एंटीना वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको एंटीना वायर को इधर साइड में कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब मैंने कनेक्ट कर दिया है एंटीना वायर को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अब हम इसको इसी में लगा देंगे आसानी से, जैसा कि जैसे मैंने निकाला था उसी हिसाब से इसको अब हम लगा करके इसको कर देंगे टाइट। तो स्क्रू से आपको इन्हें सबसे पहले लगा करके कस लेना है, उसके बाद में आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें इसको लगा दिया है और अब हम इस पर जैक को लगाएंगे। तो ये 5 वोल्ट को अब हम इस पर लगाएंगे 5 वोल्ट पे, और उधर हम लगाएंगे IDO पे। तो 5 वोल्ट पे अब हमने इसको लगा दिया है और IDO को मैंने इस पर लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ये यहाँ से ओके हो चुका है, और इस वायर को हम थोड़ा सा सही कर देंगे इधर से निकाल करके। बस ये अब हो चुका है बिल्कुल ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको सप्लाई पे कनेक्ट किया है और इसमें देखिए ये FM मोड पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको अब प्ले करके देखने वाले हैं कैसे क्या ये प्ले होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, और यहाँ से देखिए हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और अब हम आपको दूसरे चैनल पर भी इसको लगा करके दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने एक चैनल पर चेक किया, अब हम इस वाले चैनल पर भी आपको इसे टेस्ट करके दिखाएंगे। तो किस तरीके से ये वर्क करेगा तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी मेहनत का फल होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसमें मोड चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए FM AUX पे आ गया, और AUX पे ये रिकॉर्डिंग पे आ गया, ये इको मोड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ब्लूटूथ मोड पे अभी इस समय है ये,
और इस तरीके से चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी घर पर अपना एम्पलीफायर रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं भैया एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो 1% अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो मिलते हैं भैया एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।